वैसे तो रति का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उनके घर तब थोड़ी खुशहाली आई जब रति के भाई राकेश को पुलिस कांस्टेबल की जॉब मिल गई। रति और उसके मम्मी पापा ने सोचा कि अब उनके गरीबी के दिन दूर होंगे और उन्हें अच्छा पहनने खाने को मिलेगा, क्योंकि नौकरी लगते ही रति के भाई राकेश के लिए जगह जगह से रिश्ते आने शुरू हो गए। राकेश तब खुशी से पागल हो गया जब शहर से एक दरोगा की बेटी का रिश्ता आया। मम्मी, कल पड़ोस वाली सीमा बुआ मेरे लिए शहर से एक रिश्ता लेकर आई हैं। लड़की के पापा दरोगा हैं, दान दहेज देकर हमारा घर भर देंगे। राकेश की माँ ने उसे समझाया, बेटा अपने जैसे बराबरी के परिवार से रिश्ता जोड़ना ठीक रहेगा। अमीर घर की नकचड़ी बहू आएगी तो वो ना तो तुम्हारी सुनेगी और ना हमारी। दरोगा को हमसे और हमारे परिवार से कोई मतलब नहीं, वो तो बस अपनी बेटी की शादी तुम्हारी नौकरी से कर रहा है। और फिर अब जब तुम्हारी नौकरी लग ही गई है तो दान दहेज लेकर क्या करोगे? तुम्हारे अंदर अम्मा बिल्कुल दिमाग नहीं है। लड़की शादी हमसे करे या हमारी नौकरी से, बात तो एक ही है ना। और बड़े घर से हमारा रिश्ता जुड़ेगा तो हमारा पावर भी बढ़ेगा कि नहीं, बोलो। राकेश ने खूब दान दहेज लेकर अमीर घर की लड़की से शादी कर ली। राकेश की पत्नी गौरी जब घर आई तो उसने राकेश के पूरे परिवार को एक कमरे में समेट दिया और पूरे घर पर अपना कब्जा कर लिया। सब लोग कान खोलकर सुन लो, मेरा एक भी नया बर्तन, नए कपड़े, नया तौलिया, कुछ भी अपने गंदे हाथों से मत छू लेना। मेरे पापा ने दान दहेज मेरे इस्तेमाल के लिए दिया है, तुम गवारों के लिए नहीं। रति और उसके मम्मी पापा की जिंदगी पहले से भी बदतर हो गई, क्योंकि रति की भाभी राकेश को एक भी पैसा अपनी बहन और माँ पर खर्च करने नहीं देती थी। रति का कॉलेज पूरा होने वाला था, वो इस बात को लेकर परेशान थी कि वो अपनी फेवरेट पार्टी में क्या पहनेगी। क्या हुआ बेटी, आज इतनी उदास क्यों हो? माँ, कल मेरी फेयरवेल पार्टी है, सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे, मेरे पास ना तो कोई अच्छा सूट है और ना ही साड़ी। बेटी, अपनी भाभी से मांग कर देख लो, उनके पास तो बहुत कपड़े हैं। रति जब गौरी के पास साड़ी मांगने गई तो गौरी ने साफ मना कर दिया, जब कपड़े नहीं है तो जा ही क्यों रही हो फेयरवेल पार्टी में, चुपचाप घर में बैठो। रति का फेयरवेल में जाने का बहुत मन था, इसलिए उसने पड़ोस वाली आंटी से एक सुंदर साड़ी मांग ली। अगले दिन रति ने जब वो साड़ी पहनी तो वो अपनी भाभी से भी सुंदर दिख रही थी। जलन से गौरी का मुंह सड़ गया। गौरी छत पर गई और रति के घर से बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। जैसे ही रति कॉलेज के लिए बाहर निकली, गौरी ने चुपके से उसके ऊपर गंदा पानी फेंक दिया और तुरंत नीचे आ गई। रति वापस घर लौटी तो उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी, लौट क्यों आई? माँ, पता नहीं किसने मेरे ऊपर गंदा पानी फेंक दिया, मेरे सारे बाल खराब हो गए। भगवान का शुक्र है कि साड़ी गंदी नहीं हुई। बेटी, तौलिये से अच्छी तरह बालों को पोंछ लो, साफ हो जाएंगे। रति ने अपनी भाभी से टॉवल मांगा। भाभी जरा अपना टॉवल दे देंगी, हमारा पुराना टॉवल फट चुका है, मैंने परसों ही उसका पोछा बना लिया था। औकात देखिए अपनी, तुम्हारे गंदे सड़े जुए वाले बालों के लिए मैं अपना टॉवल बिल्कुल नहीं दूंगी। रति उदास हो गई, उसे लगा कि वो फेयरवेल में नहीं जा पाएगी। लेकिन उसी समय गली में एक टॉवल बेचने वाला आ गया। टॉवल वाला, टॉवल ले लो, टॉवल वाला, टॉवल ले लो। रति की माँ ने अपने पास बचत किए हुए पैसों से एक सस्ता सा टॉवल खरीद लिया। रति ने बाल पोछे और तुरंत कॉलेज के लिए निकल गई। उस रात जब रति वापस लौटी तो वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो तुरंत ही जाकर सो गई। रति को एक सपना आया। सपने में वही आदमी जिससे रति की माँ ने तौलिया खरीदा था वो कह रहा था, ये एक जादुई टॉवल है जिससे बाल पोछने पर सिर में मौजूद कोई भी चीज सोने की बन जाती है। लेकिन इसे इस्तेमाल करते हुए दो बातों का विशेष ध्यान रखना। नंबर एक, कभी भी सूखे बालों पर टॉवल का इस्तेमाल मत करना। और नंबर दो, जरूरतमंद की मदद करना। अगर इनमें से कोई भी शर्त टूटी तो कुछ बहुत बुरा होगा। अगली सुबह जब रति सोकर उठी तो उसके सिर के पास सोने की जुएं पड़ी हुई थीं। उस दिन रति ने बाल धोए
और टॉवल से पोछे तो उसके बालों से कुछ सोने की जुएं झड़ गईं। रति का सिर जुओं से भरा हुआ था, इसलिए हर रोज टॉवल इस्तेमाल करने पर कुछ जुएं सोने बन जाती। फिर रति की माँ रति के सिर से सोने की जूं बीन लेती। रति ने नया घर खरीद लिया और अपने मम्मी पापा के साथ अलग घर में रहने लगी। गौरी के खर्च बढ़ते ही जा रहे थे। राकेश को अपनी सैलरी भी कम पड़ जाती, इसलिए उसने रिश्वत लेना शुरू कर दिया। एक दिन राकेश के डिपार्टमेंट में किसी ने शिकायत कर दी कि राकेश रिश्वत लेता है। जांच हुई तो राकेश दोषी पाया गया और उसे सस्पेंड कर दिया गया। गौरी और राकेश को अब एक एक पैसे की किल्लत होने लगी। गौरी को गांव वालों से पता लग गया कि उसकी ननंद रति के पास एक ऐसा टॉवेल है जो सिर में मौजूद चीजों को सोने का बना देता है। गौरी एक दिन रति के घर पहुंचकर बोली, ननंद जी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती इस समय हमारे घर की कितनी बुरी हालत है। कुछ समय के लिए अपना जादुई तौलिया हमें दे दो, मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान मानूंगी। रति को जादुई टॉवेल की दूसरी शर्त याद थी, जरूरतमंदों की मदद करना, इसलिए उसने अपनी भाभी को टॉवेल दे दिया। भाभी, दो चीजों का ध्यान रखना, कभी भी सूखे बालों पर टॉवेल इस्तेमाल मत करना, हमेशा नहाने के बाद ही टॉवेल का इस्तेमाल करना, और जरूरतमंदों की मदद करना। गौरी रति से जादुई टॉवेल ले आई और घर आते ही उसका दिमाग चढ़ गया। अनपढ़ गवार रति मुझे पागल समझती है। उसने जादुई तौले के साथ दो शर्तें जानबूझकर जोड़ी हैं ताकि मैं दिन में सिर्फ एक बार जादुई तौले का इस्तेमाल कर पाऊं और उसकी जितनी अमीर न हो जाऊं। सोना पाने की लालच में गौरी ने अगले दिन नहाने तक का इंतजार नहीं किया। उसने अपने सिर में बाहर से खटमल, जूं और कीड़े डाले और अपने सूखे बालों पर ही टॉवेल रगड़ दिया। सूखे बालों पर टॉवेल का इस्तेमाल करते ही गौरी के सारे बाल गायब हो गए। वो गंजी हो गई और फिर उसके बाल कभी नहीं उगे। कोई मेरे बालों को वापस लेकर आओ, कितने सुंदर बाल थे मेरे। मीना और प्रवीण एक खुशहाल वैवाहिक जीवन बिता रहे थे। मीना का व्यवहार और उसका काम देख पूरा गांव उसकी तारीफ करता था। मीना की सहेली रूपा भी इसी गांव में शादी करके आई थी। रूपा वैसे तो बहुत सुंदर थी, पर उसका व्यवहार बिल्कुल दुष्ट था। रूपा और उसकी सास दोनों मीना को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक दिन गांव की सारी औरतें एक पेड़ के नीचे बैठ के बातें कर रही थी। रूपा और उसकी सास सज धज के आए और उन औरतों के पास बैठ गए। ओह सासू माँ, ये गांव कितना बोरिंग है, यहाँ कभी कुछ एक्साइटिंग नहीं होता। हाँ रूपा, ये गांव वाले हमारे जैसे अपडेटेड थोड़े ना हैं। इन्हें तो मेकअप के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी गांव वालों में से एक औरत उनकी बात सुन के मीना को देखते हुए बोलती है, मीना बेटी शादी के दिन कितनी सुंदर लग रही थी, साक्षात देवी जैसी। तुम्हारा मेकअप भी बहुत सुंदर था। शुक्रिया चाची, मैंने अपना मेकअप खुद किया था। हाँ तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर तुमने अपना मेकअप अपने आप कर लिया तो मैं भी रोज अपना मेकअप खुद ही करती हूँ। हाँ और मेरी बहू परियों से कम नहीं दिखती। परी तो पता नहीं, शादी के दिन मेकअप थोप थोप के बंदरिया जरूर लग रही थी। सारी औरतें ये बात सुन के हंसने लग जाती हैं और रूपा और उसकी सास गुस्से में सबको देखते हैं। बहुत थक गई थी मेरी बहू उस दिन, इसीलिए मेकअप थोड़ा अजीब हुआ होगा। हाँ अभी करवा लो मुझसे मेकअप, कटरीना कैफ जैसी नहीं दिखी तो नाम बदल देना मेरा। अभी तो रात होने को आई है, इस रविवार को बन जाना कटरीना। हाँ और ये मीना भी करेगी मेरे साथ मेकअप, देखते हैं कौन ज्यादा सुंदर दिखता है। पर मुझे क्यों घसीट रही हो इसमें? सारे गांव वाली औरतों ने मीना को बढ़ावा दिया कि वो रूपा से मेकअप कंपटीशन करे। मीना परेशान होके अपने घर पहुंचती है। उसकी सास समझ जाती है कि मीना के मन में क्या चल रहा है। बहू तुम रविवार के मेकअप कंपटीशन के बारे में सोच रही हो ना? जी माँ जी, रूपा के पास तो कितना महंगा और सुंदर मेकअप किट है, मैं तो पक्का ये कंपटीशन हार जाऊंगी। बिल्कुल नहीं बहू, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे अच्छे व्यवहार में बसी है। और रही बात मेकअप की,
तो चलो मैं तुम्हें एक नया तोहफा देती हूँ। अपनी सास की प्रेरणा देख मीना खुश हो गई। सास अपने कमरे के अंदर गई और एक छोटा सा बक्सा लेकर बाहर आई। वो बक्सा दिखने में तो बड़ा ही साधारण सा था, पर उसको खोलते ही वो एक बड़ा सा मेकअप किट बन गया। उसमें तरह तरह के फाउंडेशन, आई शेडो, ब्रश और मेकअप के सामान रखे हुए थे। ये एक खास मेकअप किट है, आज मैं ये तुम्हें सौंपती हूँ। तुम इस मेकअप का इस्तेमाल करोगी तो लोगों की आंखें तुम्हारे चेहरे से हट नहीं पाएंगी। इसमें हर एक इंसान को आकर्षित करने की शक्ति है। क्या सच में माँ, ऐसा जादुई मेकअप हो सकता है? मीना की सास ने मीना को मेकअप लगाने में मदद की। मीना का चेहरा जैसे चमक रहा था। प्रवीण जब रात को घर आया तो वो आंखें फाड़ के मीना को देखने लगा। मीना, तुम कितनी अलग दिख रही हो, मैं तो अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रहा हूँ तुमसे। मीना और उसकी सास हंसने लगे। अब दोनों को बस रविवार का इंतजार था। उधर रूपा और उसकी सास जोर शोर से मेकअप कंपटीशन की तैयारी में लगे थे। रूपा की सास ने गांव के हर एक दुकान के सारे मेकअप के सामान उठा लिए। सुबह एक तो शाम को कोई और मेकअप ट्राई करते थे। दोनों दिन भर खाना पीना छोड़ के बस मेकअप करने में व्यस्त हो गए। रविवार का दिन आया और गांव वाले उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। आज तो मैं अपनी जीत पूरी दुनिया के साथ शेयर करूंगी। फेसबुक लाइव पर रखूंगी मैं ये कंपटीशन। रूपा, तुम्हारे चेहरे पर ये दाने कैसे? दाने? क्या? कैसे दाने? रूपा ने जो हफ्ते भर अलग अलग मेकअप ट्राई किए थे उसकी वजह से उसके चेहरे पे अजीबोगरीब दाने निकल आए थे। नहीं, आज तो मैं जीत के रहूंगी। ये कंपटीशन चालू करो अभी के अभी। रूपा, तुम चाहो तो हम किसी और दिन भी कर सकते हैं ये कंपटीशन। नहीं, मैंने अपने फेसबुक पेज पे पूरे हफ्ते इस कंपटीशन के बारे में शेयर किया है और अभी मेरा लाइव भी चालू है। मुझे ये कंपटीशन जीतना ही पड़ेगा। मीना अपना मेकअप किट खोल के एक कोने में बैठ गई और रूपा उसकी सास के साथ तरह तरह के मेकअप लगाने लगी। मीना आधा घंटे में रेडी हो गई। उसकी खूबसूरती देख के सारे गांव वाले दंग रह गए। रूपा को दो घंटे भी कम पड़ रहे थे और अंत में जैसे गांव वाले रूपा को भूल ही चुके थे। सासू माँ, मुझे कोई देख ही नहीं रहा है। मेरे फेसबुक लाइव में मेरी बेइज्जती हो रही है। सारे गांव वालों ने मिलके मीना को उस कंपटीशन का विनर घोषित कर दिया। रूपा के फेसबुक लाइव में एक मेकअप कंपनी भी कंपटीशन देख रही थी और मीना का मेकअप देख के वो काफी इंप्रेस हुए। दो दिन बाद वही मेकअप कंपनी मीना को ढूंढते हुए आई। वो कंपनी मीना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती थी। रूपा कंपनी वालों के सामने गई तो उसके तरफ किसी ने मुंह उठा के भी नहीं देखा। मीना अपनी मेकअप डील से खूब पैसे कमाती है और गांव में एक मेकअप स्कूल खोलती है। नोआ परी कुछ दिनों बाद मरने वाली थी। उसके पास एक जादुई ब्रेसलेट था जो वो किसी को देना चाहती थी। मरने से पहले मैं अपना ब्रेसलेट एक ऐसे इंसान को देना चाहती हूँ जिसका दिल दया, सच्चाई और ईमानदारी से भरा हुआ हो, जो बुरा काम करने का मौका मिलने पे भी बुरा काम ना करता हो। पर ऐसा इंसान मिलना तो बहुत मुश्किल है। कितना भी मुश्किल हो, लेकिन मैं अपना जादुई ब्रेसलेट ऐसे ही किसी योग्य इंसान को दूंगी। नोआ परी आसमान से इंसानों पर नजर रख रही थी। एक गांव में उसे एक लड़की दिखाई दी जो अपने आंगन की सफाई कर रही थी। उस लड़की का नाम सोफिया था। नोआ परी ने देखा कि सोफिया ने अपने आंगन में गिरे सूखे पत्ते साफ करने के बाद पड़ोसी की आंगन की सफाई की। पड़ोसी के आंगन में उसे एक सोने की अंगूठी मिली। कितनी सुंदर अंगूठी है, ये जरूर जैस्मिन आंटी की होगी। सोफिया, तुम कितनी अच्छी हो, मेरे बिना कहे तुमने मेरे आंगन की सफाई कर दी। जैस्मिन आंटी, मुझे सफाई करना अच्छा लगता है। आंटी, मुझे सफाई करते समय आपकी अंगूठी मिली है।
थैंक यू सो मच सोफिया। 3 दिनों से मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रही थी, मैं इसके लिए कितनी परेशान थी। नोआ परी सोफिया की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुई। नोआ, मुझे लगता है तुम अपनी जादुई ब्रेसलेट इस लड़की को दे सकती हो। हाँ, ये लड़की ईमानदार लगती है, पर मैं इसे थोड़ा परखना चाहती हूँ। अगले दिन जब सोफिया आंगन की सफाई कर रही थी तो एक आदमी उसके पास दौड़ता हुआ आया। बेटी, चोर मेरे पीछे पड़े हैं, तुम मेरा बैग कुछ समय के लिए संभाल कर रख लो, मैं इसे कल वापस ले जाऊंगा। आदमी सोफिया को बैग देकर चला गया। ओफो, ये बैग तो बहुत भारी है। सोफिया किसी तरह बैग को घर के अंदर लेकर गई, लेकिन बैग उसके हाथ से छुटकर गिर गया। बैग से निकलकर ढेर सारे सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात धरती पे फैल गए। सोफिया ने सारा सामान बैग में दोबारा भरा और अगले दिन आदमी को बैग वापस कर दिया। सोफिया चाहती तो बैग से कुछ सोने के सिक्के चुरा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो आदमी जो सोफिया को बैग देकर गया था कोई और नहीं बल्कि नोआ परी ही थी, जो रूप बदलकर सोफिया के पास आई थी। मैं परी हूँ नोआ, तुम सच्ची और ईमानदार लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें जादुई ब्रेसलेट देना चाहती हूँ। तुम अपना ब्रेसलेट अपने पास ही क्यों नहीं रख लेती? क्योंकि मैं मरने वाली हूँ। क्या, परियां भी मरती हैं? हाँ, हमारी उम्र 1000 साल होती है, उसके बाद हम पृथ्वी पर किसी पक्षी का जन्म लेते हैं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इस ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहनकर अगर तुम किसी बीमार को छूओगी तो वो स्वस्थ हो जाएगा, और किसी वस्तु को छूओगी तो सोने की बन जाएगी। उम्मीद है तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करोगी। सोफिया ने ब्रेसलेट पहनकर अपने गांव के जितने भी बीमार लोग थे उन्हें स्वस्थ कर दिया, और गरीब लोगों की कोई एक वस्तु छूकर गरीब लोगों को समृद्ध बना दिया। एक बार देश के राजकुमार ने अपने राज्य में गांव और शहरों के लोगों के स्वास्थ्य का सर्वे कराया। सोफिया के गांव बटरलैंड के सारे लोग स्वस्थ और आर्थिक रूप से समृद्ध पाए गए। राजकुमार को यह जान के बहुत हैरानी हुई थी कि उनके राज्य में एक ऐसा गांव भी है जहां के सारे लोग स्वस्थ हैं। राजकुमार जेम्स एक आम इंसान का भेष धारण करके गांव पहुंचा और वहां के लोगों से उनके स्वास्थ्य और समृद्धि का कारण पूछा। आंटी जी, जरा ये तो बताइए, आपके गांव में सभी इतने स्वस्थ और समृद्ध कैसे हैं? सोफिया नाम की एक लड़की के कारण हमारा गांव इतना खुशहाल है। उस नेक दिल लड़की ने अपनी जादुई ब्रेसलेट से हम गांव वालों के सारे दुख दूर कर दिए। सोफिया जब राजकुमार के सामने आई तो राजकुमार पहले ही नजर में सोफिया से प्यार कर बैठा। राजकुमार ने अपनी असलियत बताए बिना सोफिया से अपने प्यार का इजहार किया। एकदम से प्यार? कम से कम मुझे जान पहचान का मौका तो दो। जैसी तुम्हारी मर्जी, कल गर्मियों का मेला लगेगा, साथ में घूमने चलोगी? राजकुमार और सोफिया अक्सर मिलने लगे, उनके बीच धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया। राजकुमार की माँ रानी मैडलिना को यह पसंद नहीं आया कि राजकुमार एक गरीब लड़की के साथ आम लोगों की तरह घूमता रहे। रानी मैडलिना ने अपने वफादार नौकर से सोफिया के बारे में सारी जानकारी निकलवा ली। एक रात राजकुमार जब सोफिया से मिलकर महल लौटा तो रानी ने उनसे कहा, जेम्स, तुम एक गरीब लड़की के साथ घूमकर हमारी नाक कटाने पर क्यों तुले हुए हो? माँ, मैं और सोफिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। चालाक सोफिया ने अपने जादुई ब्रेसलेट से तुम्हें वश में कर रखा है। तुम्हें लगता है तुम उससे प्यार करते हो, पर जादुई ब्रेसलेट के काले जादू से उसने तुम्हें अपनी जाल में फंसाया है, क्योंकि तुम राजकुमार हो। ऐसा नहीं है माँ, सोफिया नहीं जानती कि मैं राजकुमार हूँ, और मैंने लोगों से सुना है कि उसका ब्रेसलेट बीमारों को स्वस्थ करने और गरीबों की मदद करने के लिए है। सोफिया अपने ब्रेसलेट को एक बॉक्स में बंद करके सोती है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन ना हो तो आज रात चुपचाप सोफिया के घर जाओ और ब्रेसलेट के बॉक्स को खोल कर देखो। राजकुमार जेम्स आधी रात को चुपचाप सोफिया के घर पहुंचता है। उस समय सोफिया सो रही थी। जेम्स ने वो बॉक्स खोलकर देखा जिसमें ब्रेसलेट रखा हुआ था। बॉक्स के अंदर एक पर्ची थी। इस ब्रेसलेट से किसी को भी वश में किया जा सकता है। वो पर्ची रानी मैडलिना ने बॉक्स में रखवाई थी। जेम्स को लगा कि सोफिया ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसने सोफिया से मिलने जाना छोड़ दिया।
सोफिया को जेम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जेम्स ने सोफिया को अपना असली नाम भी नहीं बताया था। सोफिया के पास जेम्स को ढूंढने का कोई उपाय नहीं था। साल भर बीत गया। सोफिया जेम्स का इंतजार करती रही, लेकिन जेम्स उससे मिलने नहीं पहुंचा। उधर जेम्स उदासी और अकेलेपन से घिरा जंगलों में घूमता रहा। तुमने ऐसा क्यों किया सोफिया? क्यों? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? सोफिया ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। कौन? कौन है? ये किसकी आवाज है? मैं बोल रही हूँ। मैं अपने पिछले जन्म में परी नुआ थी। मैंने ही सोफिया को जादुई ब्रेसलेट दिया था जो किसी को भी स्वस्थ और समृद्ध बना सकता है। सोफिया ने उस ब्रेसलेट से अपने गांव वालों की सेवा की, लेकिन अपने लिए ब्रेसलेट का इस्तेमाल कभी नहीं किया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें और सोफिया को अलग करने के लिए ब्रेसलेट के बॉक्स में पर्ची डालकर रखी थी। सोफिया धोखेबाज नहीं है, वो तुमसे प्यार करती है। राजकुमार तुरंत दौड़ता हुआ सोफिया के पास पहुँचा। मुझे माफ कर देना सोफिया, मैंने तुम्हें धोखेबाज समझा, पर अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। जेम्स ने तुरंत ही सोफिया से शादी कर ली और सोफिया को लेकर महल में आया। रानी मैडलिना के पास अब सोफिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। जेम्स और सोफिया हमेशा साथ साथ रहेंगे। सोफिया ने जादुई ब्रेसलेट से राज्य के सभी लोगों को स्वस्थ और समृद्ध बना दिया। एक गांव में मधु सिंह नाम का किसान रहता था। मधु सिंह की दो बेटियां थी, श्वेता और काजल। श्वेता दूध की तरह गोरी थी और काजल का रंग गहरा था। गोरी और सुंदर होने के कारण श्वेता काजल की माँ श्वेता को ज्यादा प्यार करती थी। कल मैं अनारकली मौसी के घर गई थी। सुनार श्यामलाल का बेटा हमारी श्वेता से विवाह करना चाहता है। श्वेता के लिए पहले भी कई जगह से रिश्ते आ चुके हैं। हमें श्वेता की शादी के लिए कुछ दान दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन काजल की शादी में बहुत मुश्किल आएगी। माँ, मेरी शादी जरूर राजा के बेटे से होगी। अपने परिवार में हम तीन लोग गोरे हैं। ये काजल कलूटी पता नहीं कैसे हमारे घर में पैदा हो गई। कहीं आप और पिताजी इसे कहीं से उठा कर तो नहीं लाए थे? पिताजी देखिए ना, ये मेरे बारे में कह रही है। मेरे काले होने में भला मेरा क्या दोष? श्वेता बेटी, तुम्हें अपनी बहन का इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जीवन में मूल्य अच्छे कर्मों का होता है, शारीरिक सुंदरता का नहीं। मैं खेत पर काम करने जा रहा हूँ, कौन मेरे साथ चलेगा? हमेशा काजल ही अपने पिता के साथ खेत पर उनका हाथ बटाने जाती, क्योंकि श्वेता को डर रहता कहीं उसके हाथों और पैरों में मिट्टी ना लग जाए और उसकी सुंदरता कम ना हो जाए। कुछ महीनों बाद मधु सिंह बीमार पड़ गया। उसने अपनी दोनों बेटियों को बुलाकर कहा, श्वेता और काजल, मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरे जाने के बाद तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारियां स्वयं उठानी पड़ेंगी। तुम्हारा कोई भाई भी नहीं है, मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। श्वेता और काजल के पिता ने उन्हें एक एक पंखा दिया। एक साधु ने मुझे ये जादुई पंखे दिए थे। तुम दोनों को खेत में शारीरिक श्रम ना करना पड़े, इसलिए मैं ये पंखे तुम्हें दे रहा हूँ। पंखे को एक बार हिलाने पर धूप निकल आती है, दो बार हिलाने पर वर्षा होने लगती है और तीन बार हिलाने पर आंधी तूफान आ जाता है। फसल के लिए जैसी जरूरत हो उस हिसाब से इसका उपयोग करना। अपने पिताजी के मरने के बाद श्वेता और काजल अपने अपने हिस्से का खेत संभालने लगी। गेहूं की खेती के लिए धूप की जरूरत होती तो वे दोनों मौसम खराब होने पर एक बार पंखा झल देती और तेज धूप निकल आती। चावल की खेती के लिए बारिश की जरूरत होती, दो बार पंखा हिलाकर दोनों अपने खेतों में बारिश करा देती। तीन बार पंखा हिलाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन श्वेता जब किसी बाग में आम तोड़ने जाती तो एक आम गिराने के लिए पंखे को तीन बार हिला देती। तेज आंधी आती और पूरे बाग के आम गिर पड़ते। काजल ने एक दिन उससे कहा, श्वेता, एक आम तो तू पेड़ पर चढ़कर भी तोड़ सकती है,
एक आम के लिए सारे आम क्यों बर्बाद कर देती है? चुप कर काजल कलूटी, मैं पेड़ पर चढ़ूंगी तो मेरे हाथ पैर में खरोच भी आ सकती है। मुझे अपनी सुंदरता का ख्याल रखना पड़ता है, तेरी तरह मजदूर थोड़ी ना बन जाऊंगी। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। राजा युद्ध के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि वे किससे मदद मांगे। श्वेता और काजल ने जादुई पंखे से अपने अपने खेतों में बारिश करा ली थी। काजल को गांव वालों पर तरस आ रहा था। उसने गांव वालों के पास जाकर उन्हें जादुई पंखे के बारे में बता दिया। तुम लोग एक एक करके ये पंखा इस्तेमाल कर सकते हो और अपने अपने खेत में बारिश करा सकते हो। एक पंखा इतने सारे गांव वालों के लिए काफी नहीं था, इसलिए कुछ गांव वाले श्वेता के पास जादुई पंखा मांगने पहुंचे। जाओ यहाँ से, मैं अपना पंखा नहीं दूंगी। गर्मी से मेरी त्वचा सूखी जा रही है, इसलिए मैं अपने घर पर भी पंखे से बारिश करा रही हूँ। आखिरकार गांव वालों को काजल का पंखा लेने के लिए ही अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। कुछ दिनों बाद राजा जब लौट आया तो उसने गांव वालों से माफी मांगी और उनके मुंह से सारी बात सुनी। राजा ने काजल को अपने पास बुलाया, श्वेता भी उसके पीछे पीछे गई। काजल, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मेरी अनुपस्थिति में तुमने गांव वालों की बहुत मदद की है। क्या तुम मेरे बेटे से विवाह करना चाहोगी? काजल कुछ कह पाती इससे पहले ही श्वेता बीच में कूद पड़ी और बोली, श्रीमान, काजल जैसी काली दिखने वाली लड़की गोरी राजकुमार के लायक नहीं है। मुझ जैसी गोरी और सुंदर लड़की ही राजकुमार के योग्य है। जीवन में मूल्य अच्छे कर्मों का होता है, शारीरिक सुंदरता का नहीं। मैं गांव वालों से सुन चुका हूँ कि तुम स्वार्थी और घमंडी हो, जबकि तुम्हारी बहन दयालु और परिश्रमी है। आगे चलकर मेरा बेटा राजा बनेगा और राजा की पत्नी को बहुत से काम देखने पड़ते हैं, इसलिए काजल जैसी परिश्रमी लड़की ही हमारी बहू बनने योग्य है। काजल की राजा के बेटे से शादी हो जाती है और श्वेता मुंह फुलाए रह जाती है।